हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग घर बैठे यूनियन बैंक में आप किस प्रकार से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूनियन बैंक एक अच्छा बैंक है, यूनियन बैंक आपको हर जगह मिल जाता है। तो यूनियन बैंक में यदि आप अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे घर बैठे कैसे ओपन करेंगे, इस वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूर चाहिए। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं यूनियन बैंक में। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम यूनियन बैंक में किस तरह से घर बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल में क्रोम खोल लीजिए और इसको डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए। डेस्कटॉप मोड में कर देने से ये होगा कि आपको आसानी होगा फॉर्म फिलअप करने में। चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है यूनियन बैंक। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर यूनियन बैंक, यहाँ पर देखिए पहला नंबर में ही आपको दिख जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ओपन करने पर आपको इस तरह से नजर आएगा। यदि आपने डेस्कटॉप मोड में कर दिया है तो आपको इस तरह से ये नजर आएगा। अब यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर बता दे अकाउंट के बारे में, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे अकाउंट एंड डिपॉजिट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल रहा है। अब यहाँ पर है रेगुलर सेविंग अकाउंट और बहुत सारा अकाउंट है यहाँ पर, यूनियन फैमिली सेविंग अकाउंट, यूनियन फ्लेक्सी अकाउंट और यहाँ पर करेंट अकाउंट भी दिया गया है, इसका फिक्स डिपॉजिट भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए आपको दिखा दें पहले हम जीरो बैलेंस अकाउंट। यहाँ पर देखिए लिखा है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट इज ए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है इसका, यूनियन बैंक का। इसमें आपको बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है आपको बेसिक सेविंग डिपोजिट अकाउंट और बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम। दोनों में क्या है, यहाँ पर पहला नंबर पर जो क्लिक है बेसिक सेविंग अकाउंट BSBDA, अब इसमें आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये BSBDA अकाउंट है, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आपको मिल जाता है दी बेसिक सेविंग अकाउंट और ये अकाउंट फैसिलिटी ऑफ ATM डेबिट कार्ड और आपको रुपए डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप फोर विड्रॉल यानी कि चार बार आप निकाल सकते हैं महीने में ATM के जरिए। अब यहाँ तो ये तो रहा आपका, इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड देखने के लिए मिलता है और ये तो आपको बेसिक सेविंग अकाउंट है। उसके बाद हम चलते हैं बैक और यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके अलावा आपको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम, ये क्या है। अब यहाँ पर ये आपको मैक्सिमम बैलेंस इन द अकाउंट शुड नॉट एग्जीड 50,000, यानी कि 50,000 से ज्यादा आप इसमें नहीं जमा कर सकते हैं और इसमें आपको एक मंथ में टोटल 10,000 रुपए ही आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये बेसिक स्मॉल अकाउंट है। तो ये दो अकाउंट इसमें और इसके बाद अब तीसरा अकाउंट दिखा दें यहाँ पर। अब ये तो रहा इसके बेसिक सेविंग अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो इसमें आपको ये आपको अकाउंट ओपन होगा आपको बैंक जाकर के ही। यदि आप ऑनलाइन ओपन करना चाहते तो यहाँ पर देखिए रेगुलर सेविंग अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे मोर। अब इसमें क्या क्या मिल जाता आपको, यहाँ पर इसमें आपको मिल जाता है देखिए ATM कम डेबिट कार्ड मिल जाता है विदाउट एनी चार्जेस, कोई चार्जेस इशू करने का कोई चार्जेस नहीं है। आपको यहाँ पर एक चेकबुक भी आपको देखने को मिलता है, उसका फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। अब यहाँ पर इसका लिमिट है लो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आप इसमें जीरो बैलेंस फैसिलिटी है, यानी कि जीरो बैलेंस इसमें रख सकते हैं। ए स्टूडेंट कैन ओपन रेगुलर सेविंग अकाउंट विद जीरो बैलेंस। इसमें आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप इसमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ये है, यानी कि आप जीरो रुपए इसमें रख सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है पैसा रखने की यदि आप एक स्टूडेंट हैं तब। अब यहाँ पर
विदाउट चेकबुक है, अब इसमें चार्जेस क्या है? तो मेट्रो के लिए विदाउट चेकबुक आपको ₹500 है और चेकबुक के साथ ₹1,000 आपको रखना पड़ेगा, मंथली चार्जेस मंथली आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ अर्बन में आपको मिल जाता है ₹500, चेकबुक के साथ आपको ₹500 इसमें रहना चाहिए, और विदाउट चेकबुक विथ चेकबुक के साथ आपको ₹1,000 रखना पड़ेगा। सेमी अर्बन में आपको ₹250 रखना है चेकबुक बिना चेकबुक का, और चेकबुक यदि आप लीजिएगा तो ₹500 आपको रखना पड़ेगा। रूलर में आपको ₹100 है और विथ चेकबुक के साथ आपको ₹250 है। पेंशनर है, जो पेंशनर है उसको ₹20 रखना है विदाउट चेकबुक के साथ और चेकबुक के साथ ₹250। अब यहाँ पर जाएंगे डिजिटल बैंकिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेल्फ सर्विस बैंकिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने में यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड लॉगिन, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया, और भी चीज यहाँ पर सारा कुछ है। अब यहाँ पर चलिए सेविंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अब नीचे यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लिक हियर फॉर अप्लाई, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट है और है पेंशन अकाउंट। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट आप यदि खोलना चाहते तो यहाँ से खोल सकते हैं, और पेंशन अकाउंट ओपन करना चाहते तो यहाँ से पेंशन अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। और यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसेस लेकिन सेम रहेगा अप्लाई करने का। यहाँ पर चलिए हम सेविंग अकाउंट ओपन करना आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे करना क्या होगा आपको, यहाँ पे देखिए सेल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको, अब क्या है मिस्टर है मिसेज है, मेरे केस में मिस्ट्रेस है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फुल नेम अपना लिख देंगे, चलिए हम नाम डाल देते हैं फुल नेम। अब यहाँ पर मेल या फीमेल है, फीमेल यहाँ पर आ गया चूंकि नाम डालने के साथ ही फीमेल आ जाएगा। अब यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर मदर का नेम है, मदर का नेम आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पर मदर का नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ आपको, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, चलिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना टाइप कर लीजिए। अब यहाँ पर पैन नंबर अपना टाइप करना होगा, चलिए हम पैन नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पैन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना होगा, चलिए आधार नंबर हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको एक टाइप करना पड़ेगा, चलिए हम ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर आईडी प्रूफ आपको टाइप करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आईडी प्रूफ अपना सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको आईडी प्रूफ मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी, आईडी कार्ड विथ एप्लीकेशन फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, यूआईडी, आधार कार्ड और अदर फोटो आईडी कार्ड, चलिए हम यहाँ से आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ का नंबर डालना होगा, यानी कि जो भी आप दे रहे हैं आईडी प्रूफ में यहाँ पर उसका नंबर टाइप कर, जैसे आधार नंबर डाल लें, यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना। अब यहाँ पे आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने होगा, कौन सा स्टेट में से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जिस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका ब्रांच सारे के सारे ब्रांच आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं जिस ब्रांच में हमें अकाउंट ओपन कराना है। अब यहाँ पर जैसे ही ब्रांच सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका एड्रेस शो करेगा, अब यहाँ से कंटिन्यू आपको कर लेना है। अब यहाँ पर यदि आप BSNL स्टाफ है तो यहाँ पर यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करिए, इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पर सारा कुछ फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर एक आपको OTP आया होगा, यहाँ पर OTP आपको फिलअप कर लेना है, आपके मोबाइल पर OTP सेंड किया गया होगा। अब यहाँ पर एक ईमेल पर भी OTP आया होगा, इसको यहाँ पे टाइप करना होगा, चलिए मेरे ईमेल पर हम चेक कर लेते हैं कि आया है कि नहीं। अब यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने खोली है और यहाँ पर देखिए OTP आया हुआ है, इस OTP को यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पर ईमेल आईडी का जो OTP आया था इसको टाइप करने के बाद आपको यहाँ से यदि OTP नहीं आया तो आप यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं इसको फिर से OTP के लिए, चलिए यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन डिटेल वाला फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए देना होगा। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में क्या आप देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार भी है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है।
चलिए हम आधार ही दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका नंबर टाइप करना होगा आधार कार्ड का। आप जो भी एड्रेस प्रूफ में देना चाहते हैं उसका यहाँ पर नंबर टाइप करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस टाइप करना होगा। चलिए यहाँ से हम टाइप कर देते हैं इसको। और यहाँ पर आपको पिन कोड अपना टाइप कर लेना होगा। अब यहाँ पर आपका यदि एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दिए, नहीं है सेम तो आप यहाँ से इसको फिल कर लीजिए। चलिए मेरे केस में सेम है तो इसको हम इस पर टिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सेम एड्रेस है तो इसको टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर अदर डिटेल फिल करना है, जिसमें आपको स्टार लगा हुआ सारा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार देख रहे होंगे आप, यहाँ से आपको करते क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ से बहुत सारा डिटेल, आप स्टूडेंट हैं क्या है आप सारा यहाँ से पढ़ सकते हैं कौन सा आप क्या है यहाँ सेलेक्ट करना। चलिए मेरे केस में ये सिलेक्ट कर लिए। यहाँ रिलीजन सेलेक्ट करना है, क्या है रिलीजन में, हिंदू है मुस्लिम है क्या है इसके। यहाँ कास्ट है, अब जनरल है ओबीसी है अदर है क्या है। चलिए मेरे केस में जनरल है, जनरल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ एनुअल इनकम अगर कितना है, साल भर में आप कितना कमाते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है, आपका इनकम क्या है सोर्स का, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सैलरी है, पेंशन है, हाउस प्रॉपर्टी है क्या है। अब यहाँ पर नेटवर्थ है, कितना कमा लेते हैं टोटल, टोटल आप कितना कमा लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप जितना कमाते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना टाइप करना होगा यहाँ पर आपका जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पे आपना टाइप कर दिए। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ नेचर ऑफ एक्टिविटी, अब नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है यानी कि आप करते क्या है, नेचर क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है तो नहीं, चलिए मेरा कुछ नहीं है, यहाँ से नन करेंगे सेलेक्ट। अब मैरिटल स्टेटस है, यहाँ मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है, सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ से मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पाउस नेम पूछा जाएगा यानी कि आपके पति का नेम क्या है। चलिए यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ मैरिड नेम है, मैरिड नेम में क्या टाइप करेंगे, मैरिड नेम मतलब होता है कि आपका शादी से पहले आपका क्या नाम था। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि शादी के बाद अपना नाम चेंज करा लेते हैं, आपके जिस घर में शादी हुआ उसके अनुसार से नाम चेंज करते हैं। जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन है, उसी तरह से यदि आपका नाम चेंज हो गया है तो आप शादी से पहले क्या नाम था यहाँ पर टाइप कर लेंगे। यहाँ पे चलिए टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करने पर यहाँ पर कंटिन्यू आपको करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन फिलअप हो चुका है, एड्रेस एंड अदर डिटेल भी हो चुका है। अब यहाँ पर नॉमिनी डिटेल फिलअप करना है, तो यहाँ पर नॉमिनी रिक्वायर्ड है यस, आप यदि नो करना चाहते हैं तो यहाँ से नो करके भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए यस करेंगे। नॉमिनी का नाम भी फिलअप कर देंगे, यहाँ नॉमिनी का फुल नाम लिखना होगा, चलिए फुल नाम यहाँ पर लिख देते हैं। आप बाद में भी नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी साथ में ही फिलअप हम कर देते हैं। यहाँ पर नॉमिनी का रिलेशन पूछा जा रहा है, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सारा रिलेशन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर है आपको नॉमिनी का एड्रेस, यदि एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करेंगे, यदि एड्रेस अलग है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के हिसाब से तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। चलिए मेरे एड्रेस में नॉमिनिकेशन एड्रेस सेम है, कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए यहाँ पर आ गया सारा डिटेल। अब यहाँ पर इज नॉमिनी माइनर, यहाँ पे यदि नॉमिनी माइनर होगा तो यहाँ पे यस कीजिएगा, माइनर मतलब 18 वर्ष से कम होना चाहिए, तो 18 वर्ष ज्यादा है तो आपको नो करना है। अदर फैसिलिटी में आप क्या क्या लेना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं इस पर टिक करिए, एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करना, आपको मोबाइल बैंकिंग चाहिए आपको तो इस पर टिक करिए, एसएमएस बैंकिंग चाहते हैं तो इस पर टिक करिए, नहीं चाहते तो छोड़ दिए, और यहाँ से चेकबुक लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करिए, नहीं लेना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर दिए। ऐसे देखिए यहाँ पर चेकबुक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच डिलीवरी टू होम एड्रेस, दो ऑप्शन मिलता है। यदि आप ब्रांच से कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रणजीत सेलेक्ट, यदि आप चाहते हैं कि चेकबुक लेने के लिए तो आप
होम एड्रेस में मंगा भी सकते हैं, इसको इस पर टिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते कि नहीं हमें नहीं चाहिए चेक बुक, तो इस पर टिक करेंगे, जैसे कि मेरे किस्म में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड और यहाँ मोबाइल बैंकिंग चाहिए। अब यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक आईडी मिल गया होगा, देखिए यहाँ पे एक आईडी है, ट्रैकिंग आईडी है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पे ऑनलाइन कैसे ट्रैक करते हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। और यहाँ पे ये वैलिड 30 दिन के लिए वैलिड है। आपको नियरेस्ट ब्रांच जाना है, जिस ब्रांच में आपने ये एप्लीकेशन डाला है, जैसे कि मेरे केस में जहाँ पर ये एप्लीकेशन दी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से ये 30 दिन के लिए वैलिड है। अब इसको ये जो नंबर मिला इसको आप नोट करके रख लीजिए कहीं, चलिए हम नोट करके लिख के रख लेते इसको कहीं पर। अब यहाँ से आप यदि ट्रैक करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर ट्रैक करने के लिए फिर से आपको यूनियन बैंक यहाँ पर खोल लेना है। अब यहाँ पर यूनियन बैंक आपको फिर से यूनियन बैंक खोल लेना और यहाँ पर सर्च करके देखिए, चलिए यहाँ से हम सर्च कर लिए यूनियन बैंक। अब यहाँ पर फिर से आपको जाना पड़ेगा डिजिटल बैंकिंग में और यहाँ पर सेल्फ सर्विस बैंकिंग लिखा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फिर से क्लिक हियर फॉर अप्लाई लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा ट्रैक सेव सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल लेना है ऊपर में और इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर पैन नंबर टाइप करना होगा। चलिए यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है आपको, अब यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म से जो हम लोग डाउनलोड किए हैं फॉर्म, तो आपको ये फॉर्म लेके जाना होगा जो फॉर्म आपको डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर ये फॉर्म जो डाउनलोड हुआ है इसको आपको यहाँ पर ब्रांच लेके जाना होगा और आपको इसमें KYC डॉक्यूमेंट, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपने दिया होगा और जो वोटर आईडी कार्ड, जो भी एड्रेस प्रूफ में आप जो भी चीज दिए होंगे आपको उसको लेके जाना होगा ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने अप्लाई किया है। और ये जो फॉर्म डाउनलोड किए हैं इस फॉर्म को भी आपको वहां लेके जाना पड़ेगा और वहां जमा करना होगा। तो इस तरह आप वहां पर जैसे ही जमा करेंगे आपको यहां से आधा, जैसे आप जमा करेंगे आपको यहां से आधा फाड़ करके दे दिया जाएगा। रिसीव ऑन डिपॉजिट अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर और नॉमिनी रजिस्ट्रेशन नंबर डेट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और आपको इस तरह से नीचे वाला फाड़ के दे देगा। और आपको फोटो भी लेके जाना होगा, तो आप इसलिए फोटो और अपना जितना भी डॉक्यूमेंट हो आप लेके चले जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या एड्रेस प्रूफ में जो भी चीज आप दिए होंगे आप सारे की चीज लेके चले जाएंगे और वहां पर जमा करेंगे, तो आपको वहां से अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा। इस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यूनियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, आपका कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।